You're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश के जालौन में सरकार द्वारा गरीब, तलाकशुदा, विधवा और कुंवारी कन्याओं की शादी करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज जनपद जालौन में 58 शादियां कराई, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के कारागार मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने जिले के तीनों विधायक के साथ मिलकर सामूहिक विवाह में उपस्थित रहे। शादी संपन्न कराई गई है, इसमें सभी जो लोग लड़की 20,000 रुपए उसके खाते में, 10,000 रुपए का सामान और 5,000 रुपए की स्कूली फंड। बताया जा रहा है कि सम्मेलन में एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रही और दूल्हा समय बीत जाने के बाद भी नहीं आया, लेकिन दुल्हन और उसके घर वाले दूल्हे का इंतजार करते नजर आए। इस दुल्हन की शादी नहीं हो पाई और वो कुंवारी ही रह गई। जालौन से एक्सपोज इंडिया के लिए जितेंद्र सोनी के साथ प्रिया कनौजिया की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।